Assalamu alaikum dear students, I welcome you in this first lecture of this week, intermediate part 2. And as you all know that we have started learning Mr. Chips, or last lecture mein humne iske chapter 4 ko padha tha along with its exercise. Today we are going to start its chapter 5 and we'll try to cover its exercise also in this lecture. Theek hai ji, chapter 5 pe jo hai ab yahan pe jo dikhaya ja raha hai ke 4 se thoda hawala deta jaun ke now both are married. ठीक है जी, कैथरीन की और मिस्टर चिप्स की शादी हो चुकी और यहाँ पे जो है इनफैक्ट शादी होनी है अभी. ठीक है, मैं ज़रा पहले आपको बता गया, फॉरवर्ड कर गया. ठीक है जी, यहाँ पे अब हम उनके आपस में उनकी गपशप किस तरह से उनके मामला चल रहे थे. और थोड़ा सा, हाँ शादी हो चुकी जी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट. चैप्टर 5 है जी हमारे पास. व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स एट मिसेस विकेट्स रिकलेक्टेड दोस डेज. ठीक है, चिप्स जब ख्वाब देख रहा होता उन औकात कार में जो अपने घर पे था मिसेस विकेट के यहाँ, रिकलेक्टेड का मतलब रिमेम्बर्ड. ठीक है, याद करता दोस डेज, उन दिनों को. ही यूज टू लुक डाउन एट हिज फीट, तो अपने पाँव की जानब देखा करता. एंड वंडर, और ये सोचता हैरान होके, Which one of it was that had performed so signal a service? कि उन दोनों पाँव में से वो कौन सा पाँव था. परफॉर्म का मतलब क्या है, जिसने पे किया, काम किया, क्या सो सिग्नल अ सर्विस. सिग्नल का मतलब यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट वर्क. इन इस पूरे फ्रेज का मतलब यह है कि उन दोनों पाँव में से वो देखा करता कि वो कौन सा पाँव था जिसने इंतहाई अहम किरदार अदा किया, प्लेड इट्स रोल, पिविटल रोल अदा किया उसने. किस वजह से, कि उसकी वहाँ पर कैथरीन से मुलाकात हुई, मोश ना आती तो वो इसकी हेल्प ना करती. एक पासिंग सी एक मीटिंग होती ना, मोश का आना, फिर उसको उसकी मदद करके उसको फार्म हाउस पे ले आना, फिर वहाँ ठहर जाना, फिर उसके ठीक होने तक, ये सारे मामले उसी एक स्ट्रेन की वजह से थे, उसी एक मोश की वजह से, रेंच की वजह से थे. तो यहाँ पर वही बात कर रहा, रिटायरमेंट के बाद अब वो जब मिसेज विकेट के यहाँ बैठा हुआ होता, याद करता उन दिनों को कि वो आखिर कौन सा पाँव था जिसने इंतहाई अहम किरदार अदा किया उसकी ज़िंदगी में. दैट द ट्रिवियल कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंटस हैपनिंग्स, के वो एक आम सी वजह, ट्रिवियल कहते कॉमन को, पैटी, एक आम सी जो वजह थी पाँव में मोच आना, कोई इतनी बड़ी बात ना थी. ऑफ सो मैनी मोमेंटस इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स इवेंट्स की वजह बन गई, यानी कि एक आम सा जो पाँव में मोच आने वाला काम था उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे अहम वाक़ियात की वो वजह बन गया. वॉज द वन थिंग, और यही ही वो बात थी ऑफ विच डिटेल्स इवेडेड हिम, बाकी डिटेल्स वो अवॉइड करता, यानी बस उसी ही बात को वो याद करता था, तफसील में वो फिर नहीं जाता, तफसील से वो अवॉइड करता था. बट ही री सॉ द ग्लोरियस हम्प ऑफ द गेबल. ठीक है, हम चोटी को कह रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जो कोनिकल एक शेप होती है, वो दोबारा देखा उसने, विजिट किया, री सॉ का मतलब उसे रिविजिट किया, दोबारा भी गया उस शानदार पीक को देखने के लिए, गेबल की, उस पहाड़ की. ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस, क्योंकि उस वक्त से जब से ये बात हुई थी वो कभी वहाँ नहीं गया था. एंड द माउस ग्रे डेप्थ ऑफ वॉस्ट वाटर, और गहरे जो है सुरमई रंग की जो है गहराइयों को देखता, वॉस्ट वाटर नामी उस झील के पानी के अंदर, अंडर द स्क्रीज. स्क्रीज क्या कहलाता है, कि जहाँ पहाड़ जो है बेटे वो स्लोप में आते हैं ना, और स्लोप होकर वो फिर ज़मीन में जहाँ आके मिलता है एंड उसका, ये स्क्रीज कहलाता है. ठीक है, जो उसकी स्लोप थी, एंडिंग जो उसका पार्ट था, कि यहाँ पहाड़ का एंड और यहाँ फिर वॉस्ट वाटर यानी लेक का पानी वहाँ पे इसको टच कर रहा होता. वॉस्ट वाटर जो वहाँ पे झील का नाम. ठीक है बेटा, ही कुड री स्मेल द वॉश्ड एयर, वो दोबारा से सूंघ सकता था उस धुली हुई फजा को आफ्टर हैवी रेन, उस तेज बारिश के बाद. एंड री फॉलो द रिबन, और उस पट्टी पर जा सकता था, उस पगडंडी पर जा सकता था दोबारा, ऑफ द पास, जो उसको उस दर्रे की तरफ लेके जाती, अक्रॉस टू स्टाईहेड, जो पार हो जाता स्टाईहेड नामी जगह के. सो क्लियरली इट लिंगर्ड, इट स्टेड, इट हंग, कितनी वाजे ये मंडलाती हुई याद थी, कौन सी, दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, मखमूर खुशी का वो वक्त, इंटॉक्सिकेटेड, डिजी वैसे कहते चक्कर आने को, लेकिन यहाँ भी इंटॉक्सिकेटेड थे वो, उसमें मखमूर थे दोनों खुशी में. दोज इवनिंग स्ट्रॉल्स, शाम की वो एम्बलिंग चहलकदमी, बाय द वाटर साइड, उस झील के पानी के किनारे, हर कूल वॉइस, उसकी नहायत दिलकश आवाज़, एंड हर गे लाफ्टर, उसकी नहायत ही
खुशियों भरी मुस्कुराहट. शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज. वो हमेशा से खुशबाश शख्स थी, यानी खुश फित हमेशा खुश रहने वाला वो एक शख्सियत थी कैथरीन की. दे हैड बोथ बीन सो ईगर. वो बहुत शाइक थे, शौकीन थे, कीन थे, ठीक है, शार्प थे इस फैसले पे. प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, कि इकट्ठे बैठ के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते. बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट. लेकिन वो इसके बारे में कदर संजीदा था. इवन अ लिटल ऑड, थोड़ा सा उसको अजीब लगता. और फियर को भी कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको ये स्ट्रेंज भी लगती बात, ठीक है, शॉक्ड भी आप कह सकते हैं. इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड. अब वो खुद से सोच रहा कि अगर मेरी से शादी हो जाती और शादी हो गई, अगर ब्रुकफील्ड आती है तो बात ठीक है, कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात ना थी. अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड. दूसरे भी जो हॉस्टल के इंचार्ज थे, जो टीचर्स वगैरह थे, उनकी भी वो भी शादीशुदा थे. एंड शी लाइक्ड बॉयज, शी टोल्ड हिम. और वो उसे बताती थी कि उसे वो लड़के स्कूल के पसंद थे. एंड वुड इन्जॉय लिविंग अमंग्स देम. और उसे उनके दरमियान रहकर ज़िंदगी गुजारना लुत्फ का बायस लगता था. ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर. कि चिप्स, मैं बहुत खुश हूँ आप जो भी हैं उसे देखकर, ठीक है, आप जो भी हैं इस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ. आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई थी. यू वर अ सॉलिसिटर, क्या आप कोई लॉयर थे, और अ स्टॉक ब्रोकर, या कोई आढ़ती, ठीक है, जो मंडियों में आढ़त का काम करते हैं, और अ डेंटिस्ट, या कोई दंदान साज, और अ मैन, या कोई ऐसे आदमी विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, कि जिनका बहुत बड़ा कपास का कारोबार हो मैनचेस्टर में. हमारे फैसलाबाद को भी बेटा पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं ना, क्योंकि वो भी अपनी इस कॉटन इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है. तो बरतानिया का ये जो शहर है मैनचेस्टर, ये भी इसीलिए मशहूर है कि यहाँ भी कॉटन की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है, ठीक है. तो ये उसे इस तरह का आदमी समझी थी. लेकिन वो क्या कह रही कि आपको जब ये जान के देखा कि आप जो हैं इस बात में मैं बहुत खुश हूँ. आगे क्या कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, आई मीन, यानी इसका मतलब कि जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तो मैं आपको ऐसा मुझे लगा कि आप कोई वकील थे, या कोई आढ़त का काम करने वाले थे, ठीक है, या दंदान साज, या कोई एक ऐसे शख्स जिनका बहुत बड़ा कपास का कारोबार है, उनकी इंडस्ट्री है मैनचेस्टर में. स्कूल मास्टरिंग सो डिफरेंट, पढ़ाना स्कूल में बहुत मुख्तलिफ है. सो इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है, वैल्यूबल है. डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा नहीं समझते. टू बी इन्फ्लुएंसिंग, क्या आप इम्प्रेशन डाल रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं दोज उन बच्चों पर हु आर गोइंग टू ग्रो अप, कि जो फिर बड़े होंगे एंड मैटर टू द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए वो वैल्यूबल होंगे, वर्थ वाइल, उनके लिए वो बड़े वर्दी होंगे, अहम होंगे. यानी आप बच्चों को जब आप इस तरह के अंदाज में पढ़ाते हैं तो बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, और ये बच्चे कल को जाके दुनिया में आपका नाम भी रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, अपना नाम भी रोशन करेंगे. इस लिहाज से उसकी बात करिए कि आप बच्चों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी टीचिंग का, उनके ऊपर मैथड का असर होता है. चिप्स सेड ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट. चिप्स कहता कि वो इसके बारे में ऐसे नहीं सोचता था. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, और एट लीस्ट नॉट ऑफन, या कम अज़ कम अक्सर ऐसा नहीं सोचता था. ही डिड हिज बेस्ट, वो अपनी बेहतरीन अंदाज में कोशिश करता अपने काम को करने की. दैट वॉज ऑल एनी वन कुड डू इन एनी जॉब. बस इतना ही हर शख्स कर सकता है ना किसी भी काम में, यानी कि जिसको जो काम मिला हो हर शख्स अपनी भरपूर कोशिश करेगा कि उस काम को बेहतर अंदाज में कर ले. और वो यही कहता कि बस मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरा इन पर क्या असर होगा, मैं इनको किस तरह से अफेक्ट करूँगा. लेकिन वो कहते हैं बस ठीक है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, तो मैं इसको अच्छे अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ, जो हर शख्स को करना चाहिए और जो कर सकता है. यस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट. वो कहते हैं वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि इस तरह की बातें जो कि सादा सी हैं तुम बड़े अंदाज में कह देते हो, यानी कि इस तरह की बातों को तुम बड़ी सादगी से बयान कर देते हो. अब चाहते तो यहाँ वो अफेक्टेशन कर सकता ना, बनावट कर सकता, हाँ जी मैं यूँ समझता हूँ, लेकिन वो ऐसा था नहीं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि बस ऑनेस्ट पर्सन, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. तो यहाँ पे वही कह रहा है कि भाई मैं इसी वजह से ही तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि तुम इस तरह की बातों को बड़े सादा अंदाज में कह देते हो, यानी कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर कोई भी बनावट या किसी तरह की लगी लिपटी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती. एंड वन मॉर्निंग, सॉरी बेटे, पेज जो है वो जी, एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, अनदर जेम, मेमोरी जेम, क्लियर, ठीक है, एक और याद, एक और हीरा समझ लें, एक और कीमती पत्थर की तरह समझ लें, ठीक है. व्हेन ही टर्न टू इट, कि जब उस याद की तरफ हुआ, यानी कि एक और कीमती चीज़
जेम कहते हैं किसी न किस तरीके की कीमती पत्थर को, ठीक है, कि जब वो उसकी तरफ रागिब हुआ, एक याद का कीमती पत्थर जो है वो जब उसकी तरफ उसने तवज्जो की तो वो भी चमक रहा था, यानी वो याद उसको अपनी तरफ बुला रही थी। ही हैड फॉर सम रीज़न बीन अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मतलब क्या है, टॉर्चर्ड, पेनफुल, सफरिंग में था किसी अनजान वजह से। ही हैड फॉर सम रीज़न बीन अफ्लिक्टेड, कि वो टॉर्चर्ड था, तकलीफ में था एक अनजानी वजह से, विद एन एक्यूट डिज़ायर, कीन डिज़ायर थी उसके अंदर टू डेप्रिशिएट, वो अपने आप को बिलिटल कर रहा था, ठीक है, डिक्रीजिंग समझ रहा था, वो अपने आप को कमतर समझ रहा था, हिमसेल्फ एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स, से जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स थी, जितनी भी उसकी कामयाबियाँ थी, यानी कि इस तमाम के बावजूद पता नहीं एक दिन उसको क्या हुआ, या वो याद कर रहा है ऐसा हुआ कि वो अपने आप को कमतर समझता था, हालांकि वो एक कामयाब टीचर था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ये कामयाबियों से कुछ नहीं लग रही थी, और वो कहता था कि मैं कोई इतना ख़ास टीचर नहीं था। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, उसने उसको अपनी जो एक दरमियाने दर्जे की एवरेज उसकी सनत थी क्लासिक्स की उसके बारे में बता चुका था, एंड ऑफ हिज ओकेजनल डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, कभी कभार पेश आने वाली उसको नज़्म व ज़ब्त से मुतल्लिक जो मसाइल थे कि भाई मुझे ये इशू रहता है, ये भी उसने कैथरीन से ये बात डिस्कस की हुई थी। ऑफ द सर्टेनिटी, और इस यकीन या श्योरिटी के बारे में भी, दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको तरक्की कभी नहीं मिलेगी, एंड ऑफ ओ एंड ऑफ हिज कम्प्लीट इन एलिजिबिलिटी, कि वो अपने आप को नाअहल समझता था, अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था टू मैरी, कि वो शादी करे अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, एक नौजवान और एक नहायत ही एनर्जेटिक लड़की से। रेडिकल थी, दुनिया को नए एक अंदाज से देखती थी, वो कहता कि मैं अपने आप को इस काबिल, यानी ये सोचे उसके अंदर आ रही थी जिसकी वजह से वो अपने आप को बिलिटल कर रहा था, अपने आप को वो कुछ नहीं समझता, वो कहता कि मैं कुछ नहीं, बस पैटी थिंग। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल, और इन तमाम बातों के आखिर में, शी हैड लाफ्ड इन आंसर, उससे जवाब में हंस दी। क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है जी। शी हैड नो पेरेंट्स, उसके वालदैन ना थे, शी वॉज एन ऑर्फन एंड वॉज मैरिड फ्रॉम हाउस ऑफ एन आंट इन ईलिंग, ईलिंग नामी इलाके से खाला के घर से उसकी शादी हुई, उसको वहाँ से वो ब्याह के लेके आए। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, और शादी की रात से कबल, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल, जब चिप्स वापस जाने लगा अपने होटल की तरफ, शी सेड विद मॉक ग्रेविटी, मॉक कहते हैं दिखावा, ठीक है, यानी कि अफेक्टेड, और ग्रेविटी कहेंगे सीरियसनेस, यानी कि एक बनावटी संजीदगी के तौर पर उसने क्या कहा कि दिस इज़ एन ओकेजन यू नो, ये एक ऐसा मौका है कि आप जानते हैं, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, ये हमारा आखिरी गुड बाय है, उसके बाद वो कहते हैं शादी हो जाएगी, जाहिर बात है। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, मैं अपने आप को एक नए लड़के जैसा महसूस करती हूँ जो अपना तालीमी दौरान या तुम्हारे साथ शुरू करने वाला हो, नॉट स्केयर्ड माइंड यू, ये बात जहन में रहे कि मैं कोई खौफजा नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर वंस, लेकिन क्या सिर्फ एक बार, इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, एक मुकम्मल एहतराम के अंदाज में, शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको सर कह के पुकार लूँ, जनाब कह के पुकार लूँ, और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग, या मिस्टर चिप्स कहना ठीक होगा, मिस्टर चिप्स आई थिंक, मेरा ख्याल है मिस्टर चिप्स ही ठीक है, गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये यहाँ पर जो हमने पढ़ा, ये एक बहुत आपका अहम क्वेश्चन है कि वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स। दो दफ़ा पूरे नॉवल में इसको कहा गया, एक तो शादी की रात से कबल कैथरीन ने कहा मिस्टर चिप्स को गुड बाय, और आखिर में जाके लिनफर्ड नाम ये इसका शागिर्द होगा जो उसको मिलने आएगा चिप्स को, तो जब वो जाने लगता है, वो उसके मरने से कुछ अर्सा पहले की बात, तो वो जब इसको गुड बाय कहता है तो ये ज़ारो कतार रोता है, बहुत बहुत यानी कि यकीन इमोशनल किस्म की सीन है कि वो भी जाते हैं उसको कह के जाते, तो फौरन जब उसको लिनफर्ड कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो उसको ये वाली बात याद आ जाती है कि मुझे कैथरीन ने ऐसे कहा था, और इतने अरसे में कभी इसको किसी ने गुड बाय फिर नहीं कहा था। टाइटल की ये अहमियत है, ठीक है जी। अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग, हैंडसम कहते हैं कैरिज को, बग्गी जिसको हम कहते हैं, उसके चलने की आवाज़ है, जो हॉर्स शूज होते हैं, ठीक है, उनकी, इन द रोडवे सड़क पर, ग्रीन पेल गैस लैम्प्स, ठीक है, सब्जी माइल जो जर्द रंग के गैस लैम्प्स है, फ्लिकरिंग ऑन द ऑन अ वेट पेवमेंट, उनका शोला, उनकी रोशनी टिमटिमा रही उस गीली राह गुजर पर, साइड वॉक पर,
न्यू बॉयज शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में होने वाले कुछ मामलात के बारे में लड़के ऊंची आवाज़ में बोल रहे, बातें कर रहे। शर्लक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, और ये जनाब शर्लक होम्स जो बेकर स्ट्रीट में आए उसके बारे में इस तरह की बात, ये सारी की सारी अब उसके जहन में ये बात चल रही। और फिर आखिर में क्या बात आई, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 जो है वो भी फिनिश हो गया बेटे। अब हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। जी बेटे, ये चैप्टर 5 की एक्सरसाइज जो है सो डिस्प्लेड है, गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 5। तो सबसे पहले हम इसकी वर्कशीट अटेम्प्ट करेंगे इसको। नंबर 1 हमारे पास है, ही री सॉ द ग्लोरियस हम्प ऑफ द गेबल। हम्प बल्ज कह लें या एपेक्स, एपेक्स चोटी को कहते हैं, ठीक है, पीक। नंबर 2, सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस। डिजी के लिए हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, एक्साइटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग। नंबर 3 है कि दे हैव बीन सो ईगर प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर। ईगर के लिए हमारे पास होगा कीन, एंथुसियास्टिक, डेल्टा ऑप्शन। नंबर 4 है कि व्हेन दे मेट कैथरीन थॉट दैट ही वाज अ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर कहते हैं लॉयर को, ठीक है, वकील को। नंबर 5 है, फॉर सम रीजन, किसी एक अनजानी वजह से चिप्स हैड बीन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिजायर। अफ्लिक्टेड के लिए जी ट्रबल्ड या वेक्स्ड, वो परेशान था, सफरिंग कर रहा था। नंबर 6 है, चिप्स हैड अ मीडियोकर डिग्री। मीडियोकर के लिए जी एवरेज या ऑर्डिनरी। नंबर 7 है, द ग्रीन पेल गैस लैंप्स वर फ्लिकरिंग इन अ वेट पेवमेंट, ट्विंकलिंग, ठीक है जी, अल्फा। नंबर 8, सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस। लिंगर्ड के लिए जी होवर्ड, रिमाइंड एंड स्टेड। नंबर 9 है, चिप्स हैड बीन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिजायर to depreciate himself. Depreciate के लिए जी devalue, disparage, belittle, कमतर महसूस करना। नंबर 10 है, the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him, eluded, alpha, ठीक है जी। नंबर 11 है, he used to look down at his feet and wonder which one of it was that had performed so signal a service. Signal के लिए हमारे पास है जी important, delta पे जो word है, ठीक है। 12 है, that was a trivial cause of so many momentous happenings. Momentous के लिए हमारे पास है vital, VITAL, vital या historic, बीटा पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है जी। और 13 है, he could refollow the ribbon of the pass across the stairhead. ribbon के लिए हमारे पास है a narrow passage, तंग सा रास्ता, ठीक है। और 14 है, those evening strolls by the waterside, हर कूल वॉइस एंड हर गे लाफ्टर। तो स्ट्रॉल्स के लिए हमारे पास 40 पे ऑप्शन है, रैम्बल्स, वॉक या एम्बलिंग, ठीक है, एम्बल करना, चलना, चहलकदमी करना। नंबर 15 इज, बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, इवन अ लिटिल ऑड। ऑड के लिए फ्राइटेंड, बीटा ऑप्शन, ठीक है। 16 है, ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओकेजनल डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन। ओकेजनल के लिए है जी रीजनेबल, फ्रीक्वेंट, ऑफन, ऑफ एंड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन, कभी कभार उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता था। 17 है जी, ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल। तो इन एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास है इनकम्पिटेंसी, 4 ऑप्शन, ठीक है बेटे। नंबर 18, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल, शी सेड विद मॉक ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए जी सीरियसनेस, अल्फा पे जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। 19 है, अ हैंडसम क्लॉक क्लॉपिंग इन द रोड, ग्रीन पेल लैंप्स फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट। तो हैंडसम के लिए हमारे पास 40 या स्मॉल व्हीकल या कैरेज भी हम इसको कह सकते हैं। एंड 20th, शी सेड विद मॉक ग्रेविटी, दिस इज एन ओकेजन यू नो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स। तो यहाँ मॉक के लिए है आर्टिफिशियल, फीड, अफेक्टेड, बनावटी, शो ऑफ, यानी कि थी नहीं संजीदा, शो कर रही थी कि वो बड़ी संजीदगी से सवाल कर रही थी, ठीक है जी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे हैं सिनोनिम्स वर्ड्स के, वो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चंस। नंबर 1 है कि व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट चिप्स प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। उसके पढ़ाने के शोबे के बारे में क्या वो कहती थी, पेशे के बारे में वो क्या कहती थी। शी थॉट स्कूल मास्टरिंग अ वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, बिकॉज इन टीचिंग वन कुड गेट अ चांस टू इन्फ्लुएंस दोज हु वुड ग्रो ओल्ड एंड मैटर टू द वर्ल्ड, ठीक है, जो बड़े होंगे फिर दुनिया के लिए बड़े अहम साबित होंगे।
नंबर टू, व्हाट डिड कैथरीन गेस अबाउट चिप्स प्रोफेशन इन द बिगिनिंग. शुरू में वो क्या सोची थी? शी थॉट दैट ही माइट बी अ सॉलिसिटर और अ स्टॉक ब्रोकर और अ डेंटिस्ट और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर. ये उसका ख्याल था कि जनाब इनमें से वो कोई एक शख्स था. सीरियस था ना, बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई देता था. क्वेश्चन थ्री है कि हाउ डिड चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ. वो खुद को बिलिटल क्यों कर रहा था, ठीक है, डी वैल्यू क्यों कर रहा था, या व्हाट डिड चिप्स टेल कैथरीन अबाउट हिज वीकनेस. चिप्स डेप्रिशिएटेड हिमसेल्फ बाय टेलिंग हर दैट ही हैड अ मीडियोकर डिग्री एंड वाज अनेबल टू मेंटेन डिसिप्लिन. ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो प्राइवेट मींस और फैमिली रिलेशंस एंड वाज श्योर दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन. क्वेश्चन फोर है, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग. On the night before their wedding, Catherine said to Mr. Chips mockingly, mazak ke taur pe usne kaha, that she felt like a new boy beginning his first term with him. When Chips left her house to return to his hotel, she said to him, goodbye, Mr. Chips. And question 5 is, where did they get married? Catherine had no parents and was married from the house of an aunt in Ealing. Their marriage was a great success. Theek hai ji? फाइव क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट जो है बेटे इस चैप्टर से मतलब हमने यहाँ पढ़ लिए हैं. यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी अब कंक्लूड होता है. आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा. कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.